साल 2013 की आपदा को लेकर फिल्म केदारनाथ मार्केट में आने के लिए तैयार हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर अब मंदिर समेत और वहां के तीर्थ पुरोहितों के अलावा अब बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने कई दृश्यों पर आपत्ति दर्ज कराई है। फिल्म केदारनाथ का टीजर जारी होते ही घमासान मच गया है। देवभूमि पर साल 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के साथ एक फिल्म तैयार की गई है, जिसमें एक प्रेम कहानी को भी दर्शाया गया है। इसी कहानी के कुछ सीन को लेकर अब घमासान मचा हुआ है। मंदिर से जुड़े पुरोहितों और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों के साथ अन्य स्थानीय लोगों के अलावा बीजेपी और कांग्रेस ने इस फिल्म का टीजर देखने के बाद आपत्ति दर्ज करते हुए इसे बैन करने की मांग की है। इस देश में फिल्मकारों का एक तबका ऐसा है जो लगातार जो हिंदू मान बिंदु है, हिंदू देवी देवता है, हिंदुओं की जो संस्कृति है, परंपरा है, प्रतीक है, उन पर लगातार प्रहार करते रहे, उनका उपहास उड़ाने का प्रयास करते रहे हैं। इसी क्रम में जो केदारनाथ आपदा की पृष्ठभूमि को लेकर के जो फिल्म केदारनाथ बनी है, उसको लेकर के उसमें जो उसका पोस्टर और टीजर जो जारी हुआ है, उसको लेकर के हमारी कुछ आपत्तियां हैं। पहली बात तो ये है कि जो फिल्म का जो पोस्टर जारी हुआ है, पोस्टर में एक तरफ जो नायक है वो नायिका को पीठ पर लाते हुए, कंडी में लाद करके ले जाते हुए दिखाया गया है, और उसकी पृष्ठभूमि में भगवान केदारनाथ जी का जो मंदिर है उसको दिखाया गया है, और जो फिल्म की उसका टैग लाइन दिखाया है वो कि प्रेम एक तीर्थ यात्रा है। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं वो प्रेम प्रसंगों के लिए वहाँ जाते हैं या प्यार प्रणय के लिए तीर्थ यात्रा होती है। तो इस तरीके के इसी प्रकार से जो टीजर है, टीजर में भी आपने जो केदारनाथ आपदा जो है वो जल प्रलय का दृश्य दिखाया है, और दूसरी तरफ जो नायक नायिका है उनको असली और अशिष्ट तरीके से प्रेम प्रसंगों में लीन दिखाया है। तो और फिर उसमें नमाज अदा करते हुए भी नायक को दिखाया गया। और सबसे जो आपत्तिजनक तथ्य ये है कि जो केदारनाथ जो सर्वविदित है कि विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम देश विदेश के करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, उस केदारनाथ धाम की जो पृष्ठभूमि पर आप पिक्चर बना रहे हैं, उस पिक्चर में नायक जो है वो एक मुस्लिम मजदूर युवक है, और वो युवक जो केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर एक हिंदू तीर्थयात्री एक युवती जा रही है, उसके प्रेम प्रसंग को केंद्रित करके दिखाया गया। तो ऐसा लगता है कि ये फिल्मकार ने जो है कि एक तरीके से लव जिहाद को प्रमोट करने के लिए इस तरीके का ये फिल्म बनाई है। हालांकि फिल्म का अभी ट्रेलर और टीजर ही जारी हुआ है, जिसमें कुछ सीन को लेकर पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन अब ये मामला चूँकि धार्मिक आस्था से जुड़ा है, इस मामले को कांग्रेस ने सीधे सरकार की नीति और निर्देशों पर निशाना साधा है। इस मामले में कांग्रेस ने सीधे तौर पर सरकार की नीति और निर्देशों पर निशाना साधा है। और लोगों को इनवाइट किया आपने यहाँ पर शूटिंग करने के लिए, फिर आपने सख्ती के साथ नॉर्म्स क्यों नहीं बताए उन बॉलीवुड डायरेक्टर्स को कि आप हमारी संस्कृति के संग, हमारे देवभूमि के चार धाम जो रीढ़ है, हमारे पर्यटन की रीढ़ है हमारे प्रदेश की, और एक बहुत बड़ा राजस्व हमें वहाँ से आता है, प्लस लोगों का एक भक्तिभाव का स्थल है वो, लोगों की आस्थाएँ केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी से जुड़ी हुई हैं, और ऐसे में निश्चित तौर पर टीज़र मैंने भी देखा, वो टीज़र नाकाबिले बर्दाश्त है और कम से कम केदारनाथ धाम से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और बिल्कुल मैं भी इस बात को पुरजोर रूप से कहूँगी कि उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि टीज़र में जो कुछ भी दिखाया गया है, अगर असल में केदारनाथ जी के का महिमा मंडन इस तरह से किया जा रहा है मूवी में, तो वो सरासर गलत है। वो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति जो है उसको कहीं ना कहीं कलंकित कर रहा है। इस पूरे प्रकरण में जहाँ सवाल धार्मिक आस्था का है, वहीं बात अब ये भी उठ रही है कि ऐसी फिल्म के निर्माण की अनुमति कैसे दी गई। फिलहाल इस फिल्म का देवभूमि में जोरदार विरोध होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।